हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो मेडिसिन आपके दिमाग को तेज करने वाली है, तो जो आपके स्मृति को याद रखने में काम करती है, या ऐसी मेडिसिन होती है जो आप कभी नहीं भूलोगे, आपके दिमाग को तेज करेगी। दवा जो कुछ हम भूल जाते हैं उसे इम्प्रूव करने का एक काम करेगी मेडिसिन। इसका नाम है पैरासीटम। इसका क्या काम है? ये इम्प्रूव योर मेंटल परफॉर्मेंस। ये एक नोटोपिक ड्रग्स होती है। ये हमारे मेंटल को, ब्रेन को इम्प्रूव करती है दोस्तों। तो हम आगे देखेंगे इससे पैरासीटम, इसका यूज क्या होता है। जो पैरासीटम होती है या एक नोटोपिक ड्रग्स होती है, इसका यूज हम करते हैं जैसे अल्जाइमर्स डिजीज, जो हमें भूलने की बीमारी होती है, स्ट्रोक वगैरह में स्ट्रोक की बीमारी होती है, हार्ट से रिलेटेड होती है, डिमेंशिया इन पार्किंसंस डिजीज। डिमेंशिया जो पार्किंसंस डिजीज जो होती है एकदम, जो एक और जो एज रिलेटेड मेमोरी लॉस होती है, जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं या हम लोग होते हैं, एज बढ़ती रहती है तो कुछ भूलने की बीमारी होती है, उसको जो है ये इम्प्रूव करेगी। और हेड इंजरी, हेड इंजरी में काफ़ी ब्लड का लॉस हो जाता है, जिससे हमें स्मृति हम अपनी खो देते हैं, अपनी मेमोरी को लॉस कर देते हैं। उसको इम्प्रूव करने के लिए इस दवाई का प्रयोग किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, जो इसका नाम है पैरासीटम। इसका उपयोग अल्जाइमर रोग, स्ट्रोक, पार्किंसंस रोग या मनुस्मृत, उम्र से संबंधित स्मृति हानियाँ या चोट के उपचार में किया जाता है। यह जो दवा होती है कैसे यूज, मतलब हमारे ब्रेन पे काम करती है, तो वही बताएगा। पैरासीटम इज अ न्यूट्रोपिक मेडिसिन, यह एक न्यूट्रोपिक मेडिसिन होती है। इट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ अ केमिकल मैसेंजर्स एसिटाइल कोलिन। जो एसिटाइल कोलिन हमारे ब्रेन में होता है उसको एक्टिविटी को इनक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्व सेल्स। नर्व सेल्स के कम्युनिकेशन को जो है ये इम्प्रूव करती है मेडिसिन। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम अगेंस्ट शॉर्टनेस ऑफ ऑक्सीजन। जब हमें हमारे ब्रेन के नर्व सिस्टम को ऑक्सीजन की शॉर्टनेस होती है, जब अच्छे तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसकी वजह से कम्युनिकेशन जो हमारे नर्व का होता है वो लॉस हो जाता है, और हमें सेंसेशन या कोई और भी चीज़ें मतलब याद नहीं रहती हैं, वो सही तरीके से इंफॉर्म नहीं पहुंचा पाती हैं, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाती हैं, तो उसको ये बढ़ाएगी मेडिसिन। जैसे आप देख सकते हैं कि कैसे जो है हमारी मेडिसिन को जो है ये काम करती है, जैसे चरखा चल रहा है और ब्रेन को जो है एक पावर पहुंचा रहा है। इसकी वजह से जो है हमारी ब्रेन की जो कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाती हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे, हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर हम अधिक मात्रा में लेंगे या ज़्यादा दिन तक लेंगे तो हमारे जो ब्रेन पे एक साइड इफ़ेक्ट भी आता है इस मेडिसिन का। इसकी वजह से हमें साइड इफेक्ट जैसे नर्वसनेस होगी, जैसे देखो एक लड़की कब से हाथ चला रही है तो इसको नर्वस हो रहा है, एकदम ब्रेन जो है लॉस हो जाती है मेमोरी, नर्वस जब हम भूल जाते हैं तो ये नर्वसनेस का जो है ये होती है। ये एक वेट गेन, अगर हम ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं तो जैसे खा रही है मोटी हो रही, तो ऐसे हम खाते रहेंगे तो ज़्यादा तो मोटे होते चले जाएंगे, तो ये नर्वस होती है। अगर हम बात करेंगे अबनॉर्मलिटी ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, एक ये भी साइड पर जो हमारी जो अबनॉर्मलिटी होती है वॉलंटरी मसल्स की वजह से, जैसे ये देखो अपना आप देख सकते हो हाथ का जो है, या आधा चीज़ है, या आँख में कैसी भी समस्या हो सकती है, तो ये हमारी जो है साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे अवेलेबल मेडिसिन फॉर पैरासीटम, जो ब्रांड्स होते हैं किस नाम से मेडिसिन आती हैं और क्या उनका जैसे रेट वगैरह रहता है, तो उसके बाद जैसे न्यूट्रोपिल आती है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज की, जो हमारी 164 से 956 तक रेट होता है उसका। एक आती है न्यूरोसीटम के नाम से आती है, जो माइक्रोलेप्स की है, ऐसे न्यूरोफिट है, ऐसे नॉर्मा ब्रेन है, ऐसे रसीटम है, और पायराजीन है, पायराहेंस है, और सोमोसेटाम है, अल्फासीटम है,
और कॉग्निटम है, पिरामिड है, तो मेडिसिन तो ये आती है, आप देख सकते हैं कई कई रेंज में आती हैं, कोई सस्ती हैं कोई महंगी हैं। तो इस तरीके से हम ब्रांड चेंज करते रहते हैं, और हमारे काम सभी का एक रहता है, बट ये ब्रांड चेंज होने पे हमारी मेडिसिन का रेट वगैरह जो है डाउन हो जाता है दोस्तों। तो ये आती है, एक कैप्सूल आता है पैरासीटम कैप्सूल, 400 mg का आता है, इसको आप डेली ले सकते हैं। पैरासीटम कैप्सूल आते हैं 400 mg के, इसको आप 1 महीने तक अपना खा सकते हैं। जैसे पैरासीटम सिरप आती है जिसको हम ले रहे हैं, जैसे मेंटल लॉस वगैरह का, हेड इंजरी वगैरह में, या जो भी डिजीज होती है भूलने की हमारी, उसमें हम यूज कर ले तो अपने ब्रेन के इम्प्रूव कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें दोस्तों। ऐसे ही जो है वीडियो देखने के लिए यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, और अन्य वीडियो जिससे आप तक पहुंच सकें दोस्तों। धन्यवाद, आप हमें यूट्यूब पर